खबर सच्चाई के साथ। स्वागत है आपका A1 न्यूज इंडिया में, मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज तहसील से लगभग 20 किलोमीटर दूर भतपुरा ब्लॉक के गांव हरैया में। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोश क्यों है ये हम आपको बताएंगे। यहां पर आपने देखा किस तरह आवारा सांड बंधे हुए हैं, काफ़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में आवारा सांड यहाँ पे बंधे हुए हैं। योगी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार लगातार आवारा पशुओं को लेकर विशेष अभियान चलाकर उस पर सुरक्षा की बात कर रही है, विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के ग्रामीणों में क्यों रोष व्याप्त है, आखिर यहाँ के ग्रामीण क्या चाहते हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रालियाँ भी लगी हुई हैं और ट्रालियों के अंदर ये आवारा पशुओं को भरकर कहाँ ले जाने की प्रक्रिया अपना रहे हैं और कहाँ ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे। हालांकि आवारा पशुओं को जिस तरह आज़ाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बांध रखा है। आज लगभग 3 दिन हो गए हैं। पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार भी मौजूद हैं। यूँ कहिए इनकी एक मुहिम है, आवारा सांड को लेकर लगातार ये आवाज़ उठाती हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर 3 दिन से लगातार ये प्रशासन को अवगत करा रही हैं आवारा सांड की समस्या को लेकर। आखिर कोई प्रशासन या कोई भी अधिकारी या कोई भी गौरक्षक देखने के लिए आया या नहीं आया, आइए जानते हैं। यहाँ पे पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार से। जी मैडम, स्वागत है A1 न्यूज इंडिया में। धन्यवाद मैडम। यहाँ पे जो आक्रोश हम देख रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से काफ़ी तादाद में आवारा सांड यहाँ पे मौजूद है, क्या वजह है इसकी? ये आवारा सांड पूरे प्रदेश की समस्या बने हुए है, इस समय प्रत्येक गांव की समस्या बने हुए हैं, प्रत्येक किसान की समस्या बने हुए हैं। लोग इनसे शहरों में भी घायल हो रहे हैं और ग्रामों में भी घायल हो रहे हैं, घायल ही नहीं हो रहे हैं, जाने कितनी मौतें हो चुकी है। संस्था लगभग 1 साल से ये अभियान चला रही है कि सांडों के प्रति सरकार को सजग कर रही है, प्रशासन को सजग कर रही है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे इन आवारा पशुओं का, इन गौवंशीय पशुओं का, जो सरकार संरक्षण दे रही है उस पर सही ढंग से अमल क्यों नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि इन पशुओं की सुरक्षा की जानी चाहिए, इनके भोजन का प्रबंध होना चाहिए और उसके लिए पैसा भी दे रही है सरकार, और इनके रहने की व्यवस्था यानी कि गौशालाएं होनी चाहिए। 1 साल से संस्था बराबर सांडों से घायलों की आवाज़ उठाती रही, सांडों से जो भी नुकसान लोगों को हो रहा है उसकी आवाज़ उठा रही, प्रशासन को बता रही, क्यों अब तक प्रशासन ने इनको गौशालाओं में भिजवाने का प्रबंध क्यों नहीं किया है। तब मजबूर होकर ग्रामीणों ने संस्था से संपर्क किया है और ये 2 दिन से ग्रामीणों ने इन सांडों को बांध रखा है, मजबूर होकर ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है। इतना आक्रोश व्याप्त है कि अब जीने और मरने की स्थिति हो गई है। अगर ये सांड छोड़ दिए जाते हैं तो पूरी फसल ग्रामीणों की ख़त्म हो जाती है। अगर फसल ख़त्म हो गई, ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, तो किसान कैसे जिंदा रहेगा। अगर पशु को बचाते हैं तो किसान मर रहे हैं, और किसान को चाहते हैं तो फिर पशुओं की क्या स्थिति होगी, ये सरकार बताए, ये प्रशासन। और लगभग 2 दिन से पूरा, आज 3रा दिन है ये। अभी हाल में मैंने ADO साहब को, जो संबंधित यहाँ के अधिकारी हैं ब्लॉक के, भतपुरा ब्लॉक के, उनको मैंने फ़ोन किया है। मैंने कहा सर आपने अब तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है, तो उनकी आवाज़ इतनी धीमी निकल रही थी कि बात ही नहीं समझ में आ रही, बोले कि वो गौशाला में भिजवाइए। हमने कहाँ है गौशाला, 1 साल से संस्था पूछ रही है वो गौशालाएँ कहाँ हैं, हमें ही बता दीजिए। तो SDM साहब तो खुद उल्टा हमसे पूछते हैं कि गौशाला कहाँ है, ये स्थिति है। और दूसरी चीज़ है कि उसके बाद संस्था 2 दिन से बराबर मीडिया के माध्यम से, फ़ोन द्वारा, चिट्ठियों द्वारा बता रही है कि अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो मजबूर है संस्था, अरे संस्था मजबूर है इनको ले जाकर, क्योंकि सरकार ने इन्हें सरकारी संपत्ति घोषित कर रखा है, तो आज मजबूरी बस ये सरकारी संपत्ति ग्रामीण लोग ट्रालियों में लाद कर सरकारी खजाने में हम जमा करने जा रहे हैं, सरकारी कार्यालय में, क्योंकि हमारी जानकारी में कोई गौशाला नहीं है और अभी तक हमें कहीं से भी जानकारी गौशालाओं की नहीं मिली है। और उसके उपरांत आज ये ट्रालियों में पूरी गिनती करके, पूरी गिनती के साथ ये सरकारी कार्यालय यानी कि प्रशासनिक दफ्तरों में जमा किए जाएंगे। SDM साहब को कल से बराबर, परसों से बराबर मैं संपर्क कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। और आज इसके बाद ये देखना है
कि अब ये सरकारी कार्यालयों में जमा करने के बाद संस्था और ग्रामीणों की का उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है, और ये पैसा भी इसके लिए भी संस्था लिखेगी प्रशासन को कि यहाँ से दो दिन से किसान इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं, और अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में अपना डीजल भर के इनको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इसका भी खर्चा प्रशासन को सरकार को वहन करना होगा। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं आवारा पशु साढ़ को लेके जिस तरह ग्रामीणों में एक तरफ तो रोष व्याप्त है और ट्रालियों के अंदर आवारा पशुओं को लाद रहे हैं, भय भी उनके अंदर है, एक खौफ का माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद भी किस तरह से अपनी जान पर खेलकर ट्रालियों में लाद रहे हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ग्रामीण काफ़ी तादाद में है और यूँ कहिए बाघ में दर्जनों की तादाद में यहाँ पे आवारा पशु हैं। आखिर ये इसी गांव की समस्या बनी हुई है या पूरी यूपी की बनी हुई है, ये तो सबको ही मालूम है पूरी यूपी के ये हालात है, उसके बावजूद भी इस गांव में ये आक्रोश शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, शायद यूपी के पहला ऐसा गांव होगा जहाँ पे इस तरह की आवाज़ उठी है और जिस तरह से आवारा साड़ों को ट्रॉलियों में भर के एक सरकारी दफ्तरों में ले जाने की बात कही जा रही है। पैनी नजर सामाजिक संस्था के और भी पदाधिकारी हमारे साथ बने हुए हैं, हम बात करते हैं जी सर, जानना चाहेंगे इस तरह की समस्या तो पूरी यूपी के अंदर बनी हुई है, फिर यहाँ के गांव में गांव वालों में इस तरह का रोष क्यों व्याप्त है? बात यह है कि इस गांव में पूरी फसल किसानों ने कितने अपना मेहनत करने के बाद उसको तैयार किया, फसल तैयार होने के बाद में सारे किसान जुटे इनके रखवाली भी करते हैं, फिर भी ये तो बहुत बड़ी तादाद में पता लगता है किसानों के खेत एकदम चौपट हो जाते हैं। तो एक तो बोमार लॉकडाउन से सब निकले हुए लोग हैं, वैसे परेशान हैं, कैसे जैसे तैसे करके खेती में पैसा लगाया, वो सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, तो किसानों पर कई तरफ से मार पड़ रही है। एक तो ये कि हमारे फसल में बर्बाद हो रही है, दूसरी बात ये है कि जो पैसा था हमारे पास किसानों ने सब लगा दिया है, तीसरी बात अब ये आती है कि घर के हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं या औरतें होती हैं, जब ये निकलती हैं तो दहशत का ऐसा माहौल बना हुआ है कि निकलना दुश्वार होता है। ये ऊपर ये सांड जो हैं लोगों के ऊपर दौड़ पड़ते हैं और कई लोग घायल कर दिए गए और पता नहीं कितने लोग तो इसे मारे जा चुके हैं। तो सरकार इस बात को तुरंत ध्यान दे, हमारे गाँव में ये आक्रोश व्याप्त है कि ये पहल जो है उत्तर प्रदेश के ये बरेली ज़िले का गाँव हरैया इसे शुरुआत की गई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी संस्था की तरह और संस्थाएं और गांव के लोग जागरूक बने और इनको पकड़कर जितने भी सांड इस तरह से आवारा पशु हैं इनको गौशाला तक पहुंचाएं या प्रशासन के हवाले करें, ये सरकारी संपत्ति है, सरकार के हवाले होनी चाहिए। क्या लगता है आपको जिस तरह से तीन दिन आज हो गए हैं, तीन दिन से आवारा सांडों को जिस तरह से यहाँ पे बाघ में ग्रामीणों ने बांध रखा है, क्या ये एक अपराध नहीं है? अपराध इनको खाने के लिए पानी की व्यवस्था वो की गई है जैसे अपने पालतू पशु की करते हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी है, जानवरों को समय पर खाना इनको चारा दिया है और समय पर इनको पानी पिलाया है, और इन्हें बाकायदा हम बड़े सम्मान के साथ जैसे कहना चाहिए कि ये हमारे पशु या एक निर्जीव नहीं, इन्हें कहना चाहिए कि ये बोलने वाले नहीं हैं, तो ऐसे पशुओं के लिए हम जैसे अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं ऐसे इन पशुओं का हमें ध्यान रहे और हम इनकी बाकायदा इनको इस तरह से ले जा रहे हैं किसी तरह की तकलीफ ना पहुँचे। तो कहाँ ले जाने की आपकी? हमारा ये है कि हम इनको प्रशासन से हमने कई बार कहा, हमारी संस्था जो है कई बार अवगत करा चुकी है और हमारे आईजी महोदय नवाबगंज बरेली से जो हैं उनसे भी कहा है और जितने छोटे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबको हमने सूचना दी है, एलआईयू से हमारी कई दिन से तीन दिन से बात चल रही है कि ये सरकारी संपत्ति सरकार के हवाले हो ताकि गांव वालों का जो किसानों का बर्बादी जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाए और जो उनमें एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि लोग आते हैं और लोग घायल होते हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं, अभी एक 15-16 साल का लड़का नवाबगंज में मारा जा चुका है। इस तरह पूरी यूपी के हालात जो बने हुए हैं और उसके बावजूद भी ग्रामीणों में, खासकर मैं कहना फिर चाहूँगा यूपी के अंदर ये पहला गांव मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर ग्रामीणों में इस तरह का रोष व्याप्त है और ट्रालियों के अंदर आवारा साड़ों को भरकर सरकारी दफ्तरों में भेजने की बात कही जा रही है, आखिर वो कौन से सरकारी दफ्तर होंगे? मैडम से जानते हैं, मैडम वो कौन से ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहाँ छोड़ेंगी? देखिए सरकारी दफ्तर तो हम उसी को मानते हैं जो भी प्रशासन होता है, उस पूरा क्षेत्र के वो आला अधिकारी है SDM साहब और उप जिलाधिकारी नवाबगंज, वही एक प्रशासनिक दफ्तर होता है और उन्हीं के दफ्तर के आगे इसके अलावा हमें कोई जगह नहीं पता है कि जहां हम इन्हें ले जाएं। हम प्रशासन को ही अवगत करा सकते हैं और हम किसे अवगत करा सकते हैं।
क्योंकि संस्था जो होती है प्रशासन से कहेगी, प्रशासन अपनी बात ऊपर पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, अगर उन्हें संसाधन की और ज़रूरत है तो वो सरकार तक इस बात को पहुंचाते और संस्था को भरोसे में लेकर ये बात कहते अगर कोई समस्या है। लेकिन उन्होंने तो ना ग्रामीणों से बात करना उचित समझा, ना तो संस्था से बात करना उचित समझा, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मजबूरी में ये कदम उठाने पर सभी लोग मजबूर हुए। और आपने जैसे कहा कि क्या इसी गांव के लोगों को साड़ों से दिक्कत है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक गांव से संस्था के पास सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि प्रशासन नहीं सुनता है तो लोग संस्था को बता रहे हैं। संस्था एक जनता की सेवा के लिए बनी है, पैनी नज़र सामाजिक संस्था जनता के लिए ये बनी है, जनता का मंच है और अन्याय के खिलाफ ये एक आवाज़ है। ये इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर और पशुओं की भी दुर्दशा हो रही है, तो दोनों ही दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं, तो क्यों ना इसलिए ये कदम उठाएगा, क्यों ना सरकार। जिस तरह से गौवंशीय पशु की पूजा होनी चाहिए थी और आपके द्वारा साड़ों को ग्रामीणों के द्वारा जो बांधा गया, क्या ये अपराध नहीं? ये अपराध तब होता है जब आप किसी के ऊपर अत्याचार करें, तो वो अपराध होता। पशुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है, दो दिन से ये अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, इन्हें बराबर ग्रामीण इतनी सेवा कर रहे हैं जैसे एक अपने बच्चे की सेवा करते हैं। पूरी पूरी रात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डनलप के ऊपर बिस्तर लगा के लोग यही सोए हैं, पशुओं के लिए सोए हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या होगी, ये बताएं। ये तो उनके अत्याचार पशुओं के इन्होंने सहे हैं, और पशु बेजुबान होता है, पशु को दोष नहीं दे सकते हैं और पशु के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। ये सीधा सा एक ऐसा विरोध है, एक सरकार को प्रशासन को आईना दिखा रही है संस्था और गांव के लोग आईना दिखा रहे हैं कि ये है असली हकीकत, जमीनी हकीकत है। कोई गौशाला कहीं पर नहीं बनी है, सिर्फ कागजों में गौशालाएं हैं, कागजों में पैसा दिखा दिया जाता है कि इनके लिए इतना भोजन आया, इतना ये आया, इतना ये आया। आज जमीनी हकीकत गया मैडम, 11 ग्रामीण लोग हैं, इनके द्वारा जो कदम उठाया गया है उसमें आपका सहयोग है, क्या आपकी संस्था पर कार्रवाई नहीं हो सकती है? अगर ये कार्रवाई करना चाहे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यदि मैंने अपराध किया है तो ये मुझ पर कोई भी जो चाहे वो आपराधिक कार्रवाई अपनी तरफ से करना चाहे तो करे कार्रवाई, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे जेल भेजना चाहे तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरह से आप जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। इतनी मौतें होने के बाद उनसे पूछिए क्या प्रशासन उनका दर्द सुनने आए, जिसने अपना जवान बेटा खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने पिता खोया है, क्या उससे प्रशासन ने पूछा है, या उसको खोने के बाद उन्होंने उसको कोई लाभ दिया है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की नहीं है? हम आपको ग्रामीणों से भी मिलवाते हैं, आखिर ग्रामीणों में एक भय का माहौल है, उसके बावजूद एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ग्रामीण यहाँ पे आवारा साड़ों को ट्रालियों में लाद रहे हैं, हम बात करते हैं यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे, आखिर क्या वजह रही जो आप साड़ को ट्रालियों में लेकर कहाँ जाने की मुहिम है आपकी? जो नवाबगंज जा रहे हैं पुम में, और उनसे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, और हमारी एक बहन है दुई में, उस बेजान ने उनको इतना मारा उनकी सब आते बाहर निकल गई, और भर्ती भी कराया फिर भी वो बचे नहीं, 4 लाख रुपया भी लगा दिया और फिर भी बचे नहीं। आपको मालूम है गौवंशीय पशु को पूजना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसके बावजूद भी आप इस तरह की एक अपराध कर रहे हैं? जी हाँ, इसका जवाब हमारे पास है। जी क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे भारत वर्ष में गौ रक्षा के लिए जी राजा नल ने 12 बरस का सूखा भी झेला और 12 घड़ी की बरसात भी झेली। राजा दिलीप ने गौ की रक्षा के लिए शेर से लड़ गए। गौ रक्षा को भारत वर्ष में एक माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस सरकार ने ये क्या किया, जब धर्म को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान दे दी और इस सरकार ने इस धर्म को दर दर पर भटका दिया, आखिर इसका मतलब क्या है? मोदी जी ने या योगी जी ने ये सांड छुड़वाए हैं या गाय छुड़वाई हैं, तो इनकी व्यवस्था भी तो इन्हें करनी चाहिए। क्या लगता है आपके ही गांव की समस्या बनी हुई है? ये तो पूरे यूपी की समस्या है। पूरी यूपी की समस्या है ये हम मानते हैं जी। अब योगी जी या मोदी जी हमें ये बताएं कि दिन भर आदमी काम करता है खेती का, रात को इन सांडों को रखाता है, दोपहर में लेटने का वक्त होता है, लेकिन हर आदमी खेत पर मिलता है, आखिर जनता क्या करे? किसी समय उसे आराम करने का चाहिए या नहीं चाहिए? वो तो एक बेजुबान जानवर है, वो आपका किस तरह नुकसान कर रहा है? बेजुबान जानवर
बेजुबान जानवर है, इसको हम लाठी या भालों से नहीं मार सकते हैं। जिस खेत में ये पहुंच जाते हैं वो खेती पूरी पट कर देते हैं। अब यहाँ का काशकार जुए खेती केवल खेती पर ही निर्धारित है, और अगर ये सांड इसी तरह से खेती को उजाड़ते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे, तो ये गांव की जनता क्या खाएगी? इसके लिए सरकार क्या कर रही है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार हर सदस्य के हिसाब से जितना भी खर्चा होता है अपने से आधा, जैसे मोदी जी 10 लाख अगर खर्च करते हैं महीने में, तो यहाँ जनता को 5,000 ही दे दें। हम अभी बात करते हैं जो लोग आवारा पशुओं को ट्रॉलियों के अंदर लाद रहे हैं, उनमें इतना आक्रोश क्यों है? कैमरामैन से कहूँगा आगे आए और दिखाएं। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरह से आवारा एक सांड किस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं लोगों में एक भय का माहौल भी बना हुआ है, उन्हें खतरा भी लग रहा है जान का कि कहीं अगर ये खुल गया तो इन पर हमला भी कर सकता है। हालांकि कई लोगों पर आवारा सांड हमला कर चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूँगा जो लाद रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों लाद रहे हैं? चाचा बताओ क्या वजह है आप लोगों ने 3 दिन से यहाँ पे आवारा सांड को बांध रखा है, आज ट्रॉलियों में लाद रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत बड़ा नुकसान है, फसलों का बिल्कुल सत्यानाश है। रात को जंगल में लेटते हैं हम लोग, फिर भी नहीं रखा मिलते, इस वजह से मतलब जो है दिक्कत है। फसल को ही नुकसान है, कुछ और भी नुकसान है? नहीं, और ये दो एक जो है इसमें वो मारने वाले इतने हैं कि वो मार बैठते हैं। ये तो पूरी यूपी की समस्या है, फिर आपके ही गांव में ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, आपके ही गांव में क्यों मिल रहा है? अब ये तो देखो हमें अपनी परेशानी हमें पता है। जी चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इनसे फसलों को नुकसान होता ही है जी, बहुत बड़ा नुकसान इसे। जैसे अगर औरतें हैं जी बाहर घूरे पे अगर पल्ला लेकर आती हैं तो उन्हें लेपट पड़ते हैं मारने को, और इसके बावजूद अगर हलवारा ले जाता है तो उसको रास्ते में बहुत परेशान करते हैं, तो हलवारा अपने आप सुधरे या पशुओं सुधारे, अपनी खेती की जो तो क्या करे, बहुत समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं को और 3-4 दिन हो गए हैं, हम बराबर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, और हमें ये भी पता लगा है कि प्रशासन चाहता है कहता है कि ये हमारी संपत्ति है, कोई हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सब प्रशासन की मदद कर रहे हैं, उसकी संपत्ति उसके यहाँ 3 दिन से आवारा सांड को हमें बांधे, गुनाह नहीं कर रहे हैं, गुनाह नहीं किया हमने, और उसकी संपत्ति उसके पास दे जा रहे हैं। अगर हमारा कोई चीज़ है किसी के पास, अगर हमारा ले आ रहा है तो हमारे पास उपकार कर रहा है, हम ये प्रशासन का उपकार कर रहे हैं। तो किस जगह ले जाने की प्रक्रिया आपके, कितनी ट्रॉलियाँ हम इस सबसे पहले हमारा है नवाबगंज उप जिला अधिकारी की, यहाँ कितने आवारा सांड हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 30-35 हमने बांध रखे हैं। कितनी ट्रालियों की व्यवस्था है और किस तरह आप ले जाएंगे? जितने में आसानी से आ जाएंगे उतने की ट्रालियों को हम व्यवस्था कर लेंगे और ले जाएंगे आसानी। आपने प्रशासन को अवगत कराया क्या, कोई देखने के लिए आया? कोई देखने के लिए नहीं आया, हमारे पास में थाना है, हमारे पास में ब्लॉक है, 4 कदम पे दूरी, ना तो बिला का कोई अधिकारी आया, ना थाने का आया, नवाबगंज भी दूर नहीं है, 16 किलोमीटर पड़ता है। उप जिला अधिकारी के जो स्थान है 16 किलोमीटर पड़ता है मात्र। अब रास्ता अगर गलत है तो किसानों को इतना नहीं है, इसको जाने क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और जो लोग अधिकारी लोग जाने, अगर रास्ता उन्हें खराब लगता है नहीं आते, हम तो कीचड़ में चलते फिरते हैं। जानते हैं यहाँ की महिलाओं से, आखिर यहाँ की महिलाओं को भी किसी तरह का डर है, भय है, खौफ है, क्या कहना चाहेंगी यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं आवारा सांड को लेकर। महिलाएं भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और एक खौफ भी उनके अंदर लग रहा है कि किस तरह से जो माहौल बना हुआ है गांव का, महिलाओं से बात करेंगे आखिर उन्हें क्या दिक्कत है। अभी आवारा जो सांड है आप लोग इन्हें कई दिनों से बांधे हुए हैं और आज ट्रॉलियों में भरवा रहे हैं, क्या वजह आपको क्या दिक्कत है? क्या वजह है? दिन भर खेत पर रहते हैं, का खाते कि फसल खाते हैं, उजाड़ते हैं और जब मारते हैं उनको मान रख जाओ तो वे मात। तो फसल की समस्या तो पूरी यूपी की, पूरी यूपी में इस तरह का माहौल बना हुआ है? पूरी यूपी में है नहीं सांड, सांड तो यहीं पर ज्यादा है, जहाँ पे जाए देखो कान। आपको किसी कार्रवाई का भय नहीं है? कार्रवाई भी तो हो सकती है जिस तरह से आपने बांधा है, तो कार्रवाई का तो सब लोग ले जाए पूरी जनता को, यहीं पे के कदे जहाँ कार्रवाई था वहीं बैठे बैठे हम लोग सब खाएंगे। कोई घायल भी हुआ है, किसी पे हमला किया हो सांड में? अच्छा। यहाँ पे कितने ऐसे साल होंगे गांव के अंदर? कम से कम 100-150 होंगे। 100-150 होंगे। हाँ, 100 बताओ।
देखा आपने कि यहाँ पे जिस तरह का भय बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी महिलाओं में और बुजुर्गों में भी काफ़ी खौफ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। उस आक्रोश के चलते ग्रामीण यहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठे हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और आवारा सांडों को हम आपको दिखा रहे हैं, एक ट्रॉली में भर भी चुके हैं और दूसरी ट्रॉली में भी लाद रहे हैं और अभी इनकी प्रक्रिया चल रही है। आवारा सांड को लेकर ये लगे हुए हैं, इनके अंदर एक खौफ भी है कि किस तरह से अगर ये खुल गया इन पर हमला भी कर सकता है। आगे हम आपको इस तरह की और भी खबरें दिखाते रहेंगे, आगे भी कई गाँव इस तरह के हैं और पहली नज़र सामाजिक संस्था की जो मुहिम चल रही है वो पूरी यूपी के अंदर इस तरह की चल रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो कई तीन दिन आज हो गए, तीन दिनों से प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी यहाँ पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आज पहली नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता गंगवार आवारा सांडों को पकड़वाकर कौन से सरकारी दफ्तर में ले जाएंगी, आगे भी हम आपको दिखाएंगे और पल पल की खबर से अपडेट कराएंगे। बने रहिए परवेज अंसारी के साथ, देखते रहिए A1 न्यूज इंडिया। A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।